वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पैनल और पैनल के जो कॉफ आईसी है इसके बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए मुझे रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो को बनाने के लिए, तो इसलिए आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है वो मुंबई में होगी, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो जो लोग मुंबई के आसपास रहते हो और ट्रेनिंग लेने के सोच रहे हो एक अच्छा सा ट्रेनिंग, तो आप हमारे ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हो और पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा कि पैनल किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। और पैनल के 90% अगर जो मॉडिफिकेशन का प्रोसेस होती है वो आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा, क्योंकि अगर आपका कॉफ आईसी बर्न हो गया है, कॉफ आईसी को अगर रिप्लेस करना है तब आपको बॉन्डिंग के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन अगर कॉफ आईसी सही है, वोल्टेज वगैरह में दिक्कत है, जितना हो सके आप मॉडिफाई करके ठीक हो सकती है, तो उस तरीके का जो क्रिटिकल प्रोसेस है मॉडिफिकेशन का वो सारे आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। हमारा ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आपको लगे कि ट्रेनिंग में हमें कुछ नहीं सीखने को मिला है तो आपका जो पैसा है वो वापस कर दिया जाएगा। इसलिए इस नंबर पे फ़ोन करके आप अभी अपना जो सीट है बुकिंग कर लीजिए अगर मुंबई के आसपास हो तो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि सबसे नीचे जो पैनल रखा हुआ है ये हमारा 32 इंच का पैनल है, उसके ऊपर जो रखा हुआ है ये हमारा 22 इंच का पैनल है, और ऊपर सबसे ऊपर जो रखा हुआ है छोटा सा ये हमारा 16 इंच का पैनल है। तो अब हम बात करेंगे कॉफ आईसी की क्वांटिटी के बारे में कि एक पैनल में कितना ज़्यादा कॉफ आईसी लगा रहता है मैक्सिमम और मिनिमम। तो हमारे सामने जो 3 पैनल रखा हुआ है उसमें आप देखोगे तो नीचे वाला पैनल में 6 कॉफ आईसी लगा हुआ है, उसके ऊपर वाले में 4 और उसके ऊपर वाले में 6, मतलब ये छोटा पैनल फिर भी यहाँ पे 6 कॉफ आईसी लगा हुआ है और उसके ऊपर 22 इंच में भी हमारा 4 कॉफ आईसी लगा है। तो ऐसा क्यों, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि तीनों जो पैनल है वो सेम कंपनी का है, जो कि AUO कंपनी का है। तो जब ये पैनल मैन्युफैक्चर या असेंबल किया जाता है तो इस तरीके से असेंबल किया जाता है कि इसके अंदर जो पिक्सल है, आप सभी लोगों को पता होगा कि LED पैनल पिक्सल से बनती है, तो उस पिक्सल को हमें वोल्टेज देने के लिए और उस पिक्सल को सही से ग्राफिक्स बनाने के लिए हमें अलग अलग तरीके का वोल्टेज ज़रूरत होती है, उसी हिसाब से हमें ये कॉफ आईसी दिया जाता है। और ये टोटली डिपेंड करता है डेवलपर टीम के ऊपर कि वो जो डेवलपर टीम है जो कि पैनल को डिज़ाइन करती है वो किस तरीके से डिज़ाइन करती है, कितने टाइम लेके डिज़ाइन करती है, ये उस फील्ड में पड़ जाती है। उसके बाद कंपनी वालों ने इसको डिज़ाइन कर देता है। और कहीं कहीं पैनल के अंदर ये जो आपको DC to DC IC है वो सेम ही लगा रहता है। तो एक बार मैं आप लोगों को सारे जो कॉफ आईसी है उसका नंबर बता देता हूँ कि सबसे बड़े वाला जो पैनल है उसका जो पैनल कॉफ आईसी नंबर है यहाँ पर देख सकते हो, और पैनल का नंबर भी एक बार दिखा देता हूँ मैं। इसका जो नंबर है आप देख सकते हो M215, और इसका नंबर है आप यहाँ पे देख सकते हो M195, और इसका अगर नंबर की हम बात करें यहाँ पे देख सकते हो M154, क्योंकि ये सारे एक ही कंपनी का है, इसके लिए एक ही सीरीज से बनाया गया है इस पैनल को। और ये जो सारे पैनल है ये सारे यूनिवर्सल पैनल है, आप किसी के भी मतलब टीवी में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप आपके पास किसी भी कंपनी का मदरबोर्ड या टीवी है और उसके अंदर आप नया पैनल इंस्टॉल करना चाहते हो तो इन तीनों में से किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन आपको रेजुलेशन में ध्यान देना होगा कि आपका रेजुलेशन सही है कि नहीं। और यहाँ पे जो हमारा LVDS सिग्नल से इसके ऊपर ध्यान देना होगा, और सारे जो पैनल का डेटा शीट है उसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा इंटरनेट से, और उसके बाद आपको मैचिंग कर लेना होगा कि हमारा जो ये जो सिग्नल है LVDS का ये हमारे मदरबोर्ड के साथ मतलब सेम है या अलग है। अगर अलग है तो आपको LVDS केबल का जो सिग्नल का पोर्ट होता है उसको निकाल के आपको सही करना होगा। तो ये होगी हमारा दूसरी बात। और तीसरी, अगर हम इसकी पैनल जो कॉफ आईसी का डेटा मतलब आईसी का जो नंबर की बात करें तो जो बड़े वाला पैनल है इसका जो नंबर है वो RM91130FL0V4, और उसके बाद इसकी अगर बात करें RM91130VF E0F
क्यू। और उसके बाद हम इसकी अगर कॉपासी की नंबर की बात करें तो NT3961 6H C0296A। तो ये काफ़ी पुराना वर्जन है पैनल का, इसलिए NT से शुरू हुआ है। और क्योंकि ये थोड़ा सा अपग्रेडेड नया पैनल है, इसलिए इसका इन दोनों का जो नंबर है वो NT से स्टार्ट हुई है हमारा कॉप आई सी का। तो आप बढ़ जाते हैं कि जो तीसरा पॉइंट हमने ये बता दिया। चौथा पॉइंट जो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन करता है कि हमें पैनल का जो कॉप आई सी लगा रहता है उसका वोल्टेज या डाटा सेट हमें कहाँ से मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका जो वोल्टेज और डाटा सेट जो है वो कंपनी वालों ने आपको प्रोवाइड नहीं कियागा और आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको टेक्नीशियन के पास ही मिलेगा। क्योंकि हमारे पास जो भी पैनल आते हैं, पुराना हो चाहे नया हो, तो उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी एक जो भी अच्छा पैनल है उसमें हमें वोल्टेज को मेजर कर लेता हूँ मल्टीमीटर के ज़रिए। उसके बाद हमने मतलब जो भी बहुत दिन से काम कर रहे हो, जो भी जितना दूर मुझे पता है, तो वो क्या करते हैं एक पैनल के जो एक कॉप आई सी का वो सारे वोल्टेज पहले मेजर कर लेता है और उसके बाद उसको पिक्चर खींच के वो लोग उस डेटा सेट को सेल करता है और उस डेटा सेट को सेल करके बहुत पैसा अर्न करता है। तो इसलिए आपको कहीं से भी मतलब आपको एक्चुअल डेटा सेट नहीं मिलेगा कंपनी की तरफ से। और जो लोग ट्रेनिंग देता है उन लोगों के भी पास भी रहता है इस तरह की जो कॉप आई सी है उसका डेटा सेट। क्योंकि अगर आप मतलब किसी के पास ट्रेनिंग लोगे तो ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ तो आपको मिलना चाहिए सपोर्ट के लिए, मतलब सारे चीज़ के लिए। तो आप उसको कॉल नहीं कर सकते हो, जैसे कि हो गया बायोस मतलब सॉफ्टवेयर के लिए या फ्लैश फाइल के लिए या पैनल का डेटा सेट के लिए, तो आपको उसको तो पूछ नहीं सकते हो। इसलिए कुछ कुछ जो चीज़ें हैं ट्रेनिंग वालों ने आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि हम लोग भी आपको प्रोवाइड कराते हैं 50 GB टेस्टेड सॉफ्टवेयर जो कि हमारे पास टीवी आते हैं उसको हम कॉपी करके रख देता हूँ। जो भी नया पुराना स्मार्ट टीवी हो नॉन स्मार्ट टीवी हो उसका जो सॉफ्टवेयर होता है फ्लैश फाइल होता है हम लोग कॉपी करके रख लेते हैं हमारे पास। और जब भी कोई हम ट्रेनिंग मतलब देता हूँ तो उस ट्रेनिंग में सारे के सारे जो फ्लैश फाइल है और भी जो जो चीज़ें हैं हम लोग फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो आप हमारे पास भी ट्रेनिंग ले सकते हो। कल से हमारे कोलकाता में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगे और उसका सीट फुल हो चुकी है और हमारा जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है वो मुंबई में है, आप लोगों को पहले ही बता दिया। तो अगर मुंबई के आसपास है तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऊपर के नंबर से। उसके बाद सबसे ज़्यादा मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया कि पैनल के ऊपर जो DC to DC IC लगा रहता है क्या हमें ये मार्केट से मिलेगा और अगर ना मिले तब हमें क्या करना है। तो देखिए ये तो वीडियो में बात करने की बात नहीं है, ट्रेनिंग में बताने की बात है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि आप लोग मेरे रियल सब्सक्राइबर हो, बहुत सारे लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हो जो ये जो कंपनी है ये UO जितने भी पैनल है इस कंपनी का सारे पार्ट्स आपको मार्केट में अवेलेबल है। तो चाहे तो आप मार्केट से ले सकते हो, बहुत ही जल्द हम लोग आप लोगों को पार्ट्स भी अवेलेबल कर देंगे, लेकिन अभी वो हमने लॉन्च नहीं किया है। तो बहुत ही जल्द IC वगैरह भी हमने सेल करना स्टार्ट करूँगा, फ़िलहाल अभी नहीं किया हूँ। तो ये जो कंपनी का DC to DC IC है मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है, सिर्फ इस कंपनी की हम बात कर रहे हो, बाकी दूसरे कंपनी के पता नहीं है मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकती है, लेकिन इसका मिल जाती है। और उसके बाद अगर ये हमें ना मिले तब आप क्या कर सकते हो, एक DC to DC पैनल DC to DC एक बोर्ड मिलता है या किट मिलता है जो कि 400-500 रुपीज़ में आपको मिलती है। तो वो जो बोर्ड है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो इस पैनल के अंदर, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये जो बोर्ड है ये सारे पैनल में सपोर्ट नहीं करता है। तो ये आपको देखना होगा कि आपके पास जो पैनल है उसमें सपोर्ट करता है कि नहीं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपके पास सेम पैनल है और किसी दूसरे आपके पास ख़राब पैनल है और उस ख़राब पैनल का जो ये स्केलर PCB है वो सही है लेकिन हमारा पैनल क्रैक हो चुका है या डैमेज हो चुका है, वो ठीक मतलब रिपेयर करने का लायक नहीं है, तब आप क्या कर सकते हो उसका जो स्केलर PCB आप निकाल के उसमें से जो मेन वोल्टेजेस होता है जो भी वोल्टेज मिसिंग होता है जैसे कि VGL VGH, मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे जो वोल्टेज कॉमन वोल्टेज होता है और वो जो सारे कॉमन जो वोल्टेज होता है उसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो पहले ही बना के रखा हूँ, सारे पैनल वोल्टेज का नाम
कितने तक कितना होना चाहिए, अगर कोई भी वोल्टेज मिसिंग हो तो उसके अकॉर्डिंग आपके पैनल में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो पहले से ही बना के रखा हूँ। इसलिए बना के रखा हूँ क्योंकि जब कोई भी हमारे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आए तो जो छोटे छोटे चीज़ है वो पहले से ही वो जान जाएंगे हमारे चैनल के ज़रिए। और उसके बाद हमने ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ उन लोगों को जो भी प्रैक्टिकली नॉलेज है वो सारे के सारे प्रोवाइड किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे और एक रिक्वेस्ट किया था कि नया पैनल किसी भी टीवी में किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है और वो उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के इस चैनल पे डाल दीजिएगा। तो उसका वीडियो बहुत ही जल्द मेरे चैनल पे आने वाला है कि किस तरीके से आप नया पैनल को किसी भी टीवी में इस्तेमाल कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, उसका प्रैक्टिकल वीडियो बहुत ही जल्द आएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि वो जो वीडियो डालूँगा तब आपके पास नोटिफिकेशन में पहुंच जाएंगे, बहुत ही जल्द वो वीडियो इस चैनल पे अपलोड होंगे। तो गाइस आई थिंक जो लोग मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा पैनल और पैनल के कॉफाइसी के बारे में। तो अगर इसके अलावा भी आपके मन में अगर कुछ भी सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और उसके अलावा आप मेरे से डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो अगर आपको मतलब ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेना है तो ऊपर जो आपको नंबर दिख रहा होगा इस नंबर पे कॉल करके ट्रेनिंग के बारे में पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।